फ्रेंड्स, आज का सेशन है एक ऐसी फील्ड के बारे में जिसमें हर फाइनेंस प्रोफेशनल जाने का सपना रखता है, ईदर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एमबीए, या किसी भी फाइनेंस के डोमेन में आप हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने का सपना तो जरूर से रखते हो, दैट आई नो वेरी वेल। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रंट एंड की कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऑल ओवर द कंट्री, कौन सी ऐसी फर्म्स है जो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हायर करती हैं, और वहां पे क्या क्या पैकेजेस रहते हैं। आपने सुना जरूर से होगा कि 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, कौन सी ऐसी फर्म है जो ये पैकेजेस ऑफर करती हैं, कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं, करियर ट्रैजेक्टरी क्या रहती है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल में काम क्या करा जाता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको सीखने को मिलेंगी गाइज। And right from the expert who has worked in Morgan Stanley, जो कि है बल्ज ब्रैकेट का टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक, द पर्सन इज नन अदर दैन CA सौरभ बंसल, जिनके क्रेडेंशियल्स मैं आपको बताऊंगा तो आप भी मेरी तरह हैरान हो जाएंगे। He is not only a CA rank holder, but also an MBA from IIM Ahmedabad. और साथ ही साथ उन्होंने काम करा है मॉर्गन स्टैनली में, EY में वो काम कर चुके हैं, और उसके बाद से ही इज अ पार्ट ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेजेस ऑफ द कंट्री। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। इस सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और अगर आप फाइनेंस के डोमेन में जाना चाहते हैं तो यहां से जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी, राइट? और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो, और एंड में आपको एक गिफ्ट भी दूंगा मैं, उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो गाइज एंड लर्न अबाउट द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ओके, सो मोर इलैबोरेट डेफिनेशन इज दिस दैट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द कोर फंक्शंस, जो कोर हमारा है एकदम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, उसके अंदर 3-4 एस्पेक्ट्स आर गेटिंग कवर्ड। रेजिंग ऑफ फाइनेंस ईदर थ्रू कॉर्पोरेट्स, और देर आर M&As, और देर आर डाइवेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर का वहाँ पे रोल आता है इस टू इनेबल ऊपर वाला सारा काम थ्रू बिलो वाली चीज़ें, बींग अ ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेशंस एंड इन्वेस्टर्स, हेल्पिंग इन फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस। एंड मोस्ट ऑफ व्हेन वी थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मोस्टली वी आर थिंकिंग अबाउट सेल साइड मैंडेट्स। सो सेल साइड और बाय साइड मैंडेट्स क्या होते हैं? सेल साइड मैंडेट्स होते हैं जहाँ पे समवन इज अप्रोचिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड आस्किंग देम टू ईदर पिच देयर कंपनी और पिच देयर शेयर्स और लुकिंग एट सम प्रोस्पेक्टिव डील वेयर इन दे कैन गो आउट टू बायर्स एंड दे कैन ऑफर देयर कंपनी और देयर शेयर्स इन रिटर्न और इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सो सेल साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स यूजली एक मैंडेट असाइन उनको जो किया जाता है उसको सेल करते हैं इन द मार्केट, अप्रोच करते हैं टू डिफरेंट बायर्स, उनको पिच करते हैं कि हाँ भाई हमें एक ये मैंडेट मिला है, हमारा ये क्लाइंट है, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ट्राई करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यूएशन, बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन इन मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ द टाइमलाइंस में कंप्लीट हो पाए। सो इट इज़ अ वेरी फास्ट पेस थिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत सारी डील्स नहीं करते, स्पेशली जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, देयर टीम साइजेस आर रियली रियली स्मॉल, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, एंड दे ट्राई टू पिक वेरी सिलेक्टिव ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हाई वैल्यू, एंड देन दे वर्क वेरी एक्सटेंसिवली एंड एग्जॉस्टिवली टू डिलीवर ऑन दोज ट्रांजैक्शंस। सो दिस इज एन ओवरव्यू इन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं दे आर फॉलोइंग बार्क्लेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, JP Morgan, मॉर्गन स्टैनली, UBS, पहले क्रेडिट स्वीस, बट नाउ सिंस लास्ट ईयर दे हैव नाउ मर्ज विद UBS बिकॉज दे वेंट अंडर लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ सम इशूज। डोमेस्टिक के अंदर मोस्ट ऑफ द बैंक ब्रोकर्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे हैव देयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म्स, एंड देन दे आर बुटीक बैंक्स, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक एम्बिट, अवेंडस कैपिटल, डैम, O3 कैपिटल। So all of these are also investment banks, but they are a little more specialized. They do not take any generic transaction. Yahan bhi koi bhi small or medium scale enterprise ka IPO nahi leke aate. Jo domestic brokers hote hain, wo leke aate hain. Jo boutique banks hain, wo in cheezon mein involved nahi hote. Jitna bhi hum aajkal IPO ke bare mein sunte hain, most of them are done by domestic brokers only. If the size is very very large, then international bankers step in. And for smaller transactions, jo ki private hoti hain, which are not mostly in the public space,
या पब्लिक मार्केट्स में जो नहीं आती हैं, दे आर टेकन ओवर बाय बुटीक ब्रांड्स। दीज आर सम ऑफ द हेडलाइंस फॉर द लास्ट ईयर व्हिच हैव बीन टेकन फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। सो द फर्स्ट चार्ट इज शोइंग यू फ्रॉम 2013 टू 2023 जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एनुअल फी गई है। सो लास्ट ईयर इन 2023 दे हैव बुक्ड अ टोटल रेवेन्यू पूल। बाय रेवेन्यू ओवर हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यूज व्हिच आर अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन टोटल। सो व्हिच इज द टॉप लाइन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सो इट इज 1.3 बिलियन, सो अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़। सो इतना आप कह सकते हो कि दिस इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू व्हिच ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंक्स पुट टुगेदर, जो ऊपर की तीनों कैटेगरीज हैं, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज देयर अर्निंग। सो ये LIC का प्रोस्पेक्टस है। इसके अंदर आप देखोगे ये पोस्ट इशू प्रोस्पेक्टस है। बेसिकली जब कंपनी लिस्ट हो चुकी है उसके बाद एक DRHP फाइल होता है बिफोर लिस्टिंग, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर एक फाइनल RHP फाइल होता है। दिस इज दैट RHP, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पोस्ट इशू। तो ये May 22 का है। इसके अंदर आप देखोगे इट वॉज द लार्जेस्ट IPO एवर इन इंडियन हिस्ट्री विच लेड टू अ फाइनल इशुएंस ऑफ दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल 20,000 करोड़, 20,500 करोड़, राइट। इसके अंदर हम आएंगे सेकेंड पेज पे। अगर आप किसी भी DRHP को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे BRLM, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। दीज आर ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंक्स हु आर इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन। मोस्टली अगर एक इशू छोटा होता है तो आप देखोगे उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई 2 से 3 या मैक्सिमम 4 बैंकर्स होते हैं। बट LIC वॉज इंडियाज लार्जेस्ट IPO और उसके अंदर आप गिनोगे अगर तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स हु आर इन्वॉल्व। कोटक, एक्सिस, गोल्डमैन सैक्स, ICICI सिक्योरिटीज, JP Morgan, सिटी बैंक, नमूरा, SBI कैपिटल मार्केट्स, सारे इन्वॉल्व हैं। सो देर आर 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स। नाउ आई विल शो यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। सो टोटल आपको क्या लगता है, बॉल पार्क एस्टिमेट कि इन लोगों ने मिलके कितना चार्ज किया होगा LIC को फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस इशू? कुछ लोग अगर कमेंट करना चाहे, अभी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की फीस कितनी होगी? हमने देखा था कि 3% है इशू का। सो 3% ऑफ 20,000 करोड़ शुड आइडली कम आउट टू बी 600 करोड़। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना है। मैंने एक नया टैब ओपन किया हुआ है बट वो दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। कंट्रोल टैब प्रेस कर लीजिए तो। अच्छा ये रहा। सो यहाँ पे आप देखोगे सो ये डिस्क्लोजर होता है। ये ऐसा नहीं है कि खाली LIC को देना है, और ये सारी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी भी IPO को जाके देख सकते हो कि उसके कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे और कितना उनको फी पे हुआ है। अब यहाँ पे आके देखोगे पेमेंट मेड टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स टोटल इज 118 मिलियन, ओनली 12 करोड़, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, विच इज हाउ मच ऑफ ऑफर, 0.06% ऑफ द ऑफर साइज। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है? कोई गैस अगर लेना चाहे चार्ट के अंदर, वी गाइस इन द चैट विल वेट फॉर हाफ अ मिनट, लेट सी कुछ। दर्शन कह रहे पीएसयू है PSU इसलिए। देखो तो है बट PSU को क्यों कर रहे हैं बैंक्स? ऐसा क्यों, ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है जब इतना काम करना पड़ता है? जब मैं इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतना एक्सटेंसिव काम होता है, इतने सारे 20,000 करोड़ का आपको इशू सेल करना है ग्लोबल मार्केट्स में, आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहिए, आप हर एक से जाके मिलते हो, उनको अपनी पिच देते हो, 10 जगह जाते हो तब जाके आपसे दो लोग मानते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं कि यार इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में तुम लेके आ रहे हो, क्या इशू दे रहे हो हमें, क्या वो क्यों बेच रहे हो? इतनी सारी गालियां सुनने के बाद, पूरा रात दिन काम करने के बाद, 4 4 महीने गवर्नमेंट से जूते खाने के बाद, प्राइवेट इन्वेस्टर से जूते खाने के बाद, फाइनल जो पे आउट आ रहा है हर एक बैंक को वो आ रहा है less than 1 करोड़ फॉर 4 months ऑफ वर्क हार्ड कोर। आंसर आ देखो रहे हो चैट में। समवन इज मेरे सेइंग कि लार्ज एक्सपोजर मिलेगा इसलिए क्रेडिबिलिटी ऑफ LIC, LIC के साथ नाम जुड़ेगा, विल गेट मोर फेम विद LIC नेम। ट्रू। सो आई थिंक यही आंसर है। जितने भी आप देखोगे कि जो PSUs होते हैं जिन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही है। जो भी गवर्नमेंट का काम होता है हर एक बंदा जल्दी से जल्दी करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के आप सबसे पहले गुड बुक्स में आते हो। इतना बड़ा IPO आ रहा है, इतना मार्की IPO है, इंडिया का लार्जेस्ट IPO है,
आप कहीं पे भी आगे जाके पिच करोगे अगर अपने बैंक को, यू कैन हाईलाइट ऑन द फर्स्ट पेज दैट वी वर पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ विच वॉज ब्रॉट इन इंडिया. सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग सेलिंग मेट्रिक फॉर यू. प्लस यू बिकम यू गेट हाईलाइटेड इन गवर्नमेंट्स बुक. फर्दर ऑन लेटर ऑन ऑल्सो देर आर मेनी असाइनमेंट्स विच गवर्नमेंट कैन गिफ्ट टू यू. डाइवेस्टमेंट्स हैं, फर्दर आईपीओज हैं, एफपीओज हैं, राइट इशूज हैं, डाइवेस्टमेंट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर आप पार्ट बनते हो, आपसे ओपिनियन लिया जाता है, तो आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर आ जाते हो. सो मनी इज नॉट एवरीथिंग फॉर बैंक्स, बट हाँ वो ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ उनको मिलता जाए. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डील्स विच आर गोइंग ऑन इन पब्लिक डोमेन राइट नाउ. सो मैं इसको जल्दी कवर करता हूँ. पहला वाला है जी एंड सोनी. सो इन दिस टू कंपनीज आर मर्जिंग और ट्राइंग टू मर्ज और एक्सप्लोरिंग और टॉकिंग विद ईच अदर ऑन हाउ टू मर्ज. तो इसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं. आज जी वॉज डाउन 15% क्योंकि आज कुछ और न्यूज आया था. येस्टरडे जी वॉज अप 10%. सो वट एवर इज हैपनिंग इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द मार्केट्स एंड द वैल्यूएशंस ऑन अ रियल टाइम बेसिस. नंबर टू वॉज स्टेक सेल बाय प्रमोटर्स ऑफ अदानी विच इज बेसिकली मिस्टर अदानी एंड फैमिली टू जी क्यू जी पार्टनर्स विच इज हेडेड बाय मिस्टर राजीव जैन हु ओन्स अ $100 बिलियन फंड बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग बिटवीन टू शेयर होल्डर्स. इसके अंदर कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मेरा स्टेक है जो कंपनी के अंदर है वो मैं सेल कर रहा हूँ. नंबर थ्री आर आईपीओस जो कि आने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट सॉट आफ्टर आईपीओस विच आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स. नाउ दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स क्योंकि कंपनी अपना इशू ला रही है और रेजिंग कैपिटल और शेयर होल्डर्स जो उसके आएंगे. सो दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड्स, कंपनी टू कंपनी, शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर एंड कंपनी एंड शेयर होल्डर. ये छोटा सा शार्क टैंक का एग्जाम्पल है सिंस दिस इज इन फ्लो आजकल. सो सपोजिटली मैं आप सबसे पूछता हूँ दैट हु डू यू थिंक इज द आईबी क्योंकि शार्क्स हैं दे आर द बाय साइड. जो सारे लोग आते हैं दे आर द क्लाइंट्स. सो हु इज रिप्रेजेंटिंग दोज क्लाइंट्स इन इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स? क्या कोई है? डू यू थिंक दैट इज देयर एनी इंटरमीडियरी देयर? कोई आईबी का रोल प्ले कर रहा है क्या वहां पे? हु इज फेसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन द शार्क्स एंड द पॉसिबल इन्वेस्टिंग कंपनीज? शिवांग ने आंसर दे दिया है। आदित्य का भी आ गया है। क्या आंसर दिया है? बिल्कुल फोनी 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 बहुत लोगों का आ गया है। सही, सोनी टीवी. तो यही एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है कि बायर और सेलर को मिलाना और उन सब और अगर सेल साइड से जैसे के लिए जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसकी साइड से बेस्ट पॉसिबल बायर को ढूंढना जो कि उसको एक राइट अप वैल्यूएशन देगा, उसके मनपसंद फाइनेंशियल बैकिंग देगा, उसको एक स्ट्रैटेजिक आउटलुक देगा. खाली मनी के लिए नहीं आ रही कंपनी, मनी के लिए भी आती है और स्ट्रैटेजिक इंटेंट के लिए भी आती है कि एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मिले कंपनी को. जो प्राइवेट इक्विटीज होते हैं वो खाली मनी नहीं लेके आते, दे ऑल्सो ब्रिंग अ स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑन द टेबल. इसके अंदर जो बल्ज ब्रैकेट बैंक्स हैं विच आर इंटरनेशनल बैंक्स, अगेन टीम साइज इज वेरी स्मॉल, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक. 20 से 30 लोगों की टीम होती है, टीम साइज इज वेरी स्मॉल, पॉलिटिक्स इज नॉन एग्जिस्टेंट, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, इट्स अ वेरी फ्लैट हायरार्किकल स्ट्रक्चर. इफ यू परफॉर्म यू विल बी रिवॉर्डेड बॉस, इफ यू डोंट परफॉर्म सॉरी बट यू विल बी किक्ड आउट. वहां पे टाइम नहीं है नॉनसेंस करने का, दे विल नॉट टॉलरेट इट. यू विल नॉट फिट इन द इन्वायरमेंट, यू विल योर सेल्फ लीव अगर आप नहीं काम कर रहे हो. तो प्रॉफिट्स काफी अच्छे आते हैं बैंक के पास, टीम साइज बहुत छोटी होती है, इंडिविजुअल पे आउट जो होते हैं इसलिए ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं, सब्सटैंशली अच्छे होते हैं. राइट स्पेशलाइजेशन का चांस होता है बट ओनली आफ्टर स्पेंडिंग 4-5 ईयर्स इन द सिस्टम. एग्जिट जो होता है आईबी से मोस्टली बाय साइड पे आप जाओगे, जो आपके क्लाइंट्स हैं बाय साइड वाले वो ही आपको खुले आर्म से दे विल इनवाइट यू टू बी इन देयर ओन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, लॉन्ग ओनली बाय साइड फर्म्स. सो इसके अंदर हायरार्की इतनी ही है जो कि राइट साइड पे है. अगर आप सीए हो या एमबीए हो तो आप डायरेक्टली एनालिस्ट पोजिशन पे ज्वाइन करोगे. कुछ प्री एमबीए एनालिस्ट होते हैं बट वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन. मे बी वन फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, टू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, वन फ्रॉम सेंट स्टीफन्स, मैक्सिमम वन सीए प्री एमबीए ओके रोल. एनालिस्ट रोल पे अगेन 4-5 पीपल आर देयर. एसोसिएट रोल पे अगेन 4-5 पीपल आर देयर, सॉरी वीपी रोल पे अगेन 4-5 पीपल आर देयर. डायरेक्टर्स पे अगेन 4-5 पीपल आर देयर. और फिर एमडीज होते हैं वहां पे भी 3-4 लोग होते हैं. सो ऑन एवरी डेजिग्नेशन यू कैन से कि 4-5-6 पीपल आर देयर ऑन एनालिस्ट एंड एसोसिएट लेवल, 2 या 3 लोग ज्यादा होते हैं. इनकम पोटेंशियल इज
वेरी वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी हाई बोनस रेंजेस फ्रॉम 50 to 150% ऑफ योर बेस। जो बेस है आपका प्री एमबीए का 20 है, एनालिस्ट का 40 है, एसोसिएट का 60 है, वीपी का 80 है। ये बॉल पार्क फिगर्स हैं इसके अंदर आप, एंड दीज आर ओनली फॉर बल्ज ब्रैकेट्स, दीज आर नॉट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज और बुटीक फॉर्म्स। सो बल्ज ब्रैकेट के अंदर इफ यू आर एबल टू पुट योर फुट तो आपको इतना दे विल बी, यू विल बी रिम्यूनरेटेड इन अ गुड वे। बट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज सच कि भाई 5-6 वैकेंसीज ही हैं इन वन इन्वेस्टमेंट बैंक इन एब्सोल्युटली टोटैलिटी. हाँ, इन टोटैलिटी अक्रॉस ऑल टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक वी कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम अबाउट 25 to 30 वैकेंसीज. सम ऑफ द स्किल्स राइट. आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस इफ वी ज्वाइन। फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको एक्सेल में अच्छा करना पड़ेगा, योर हैंड्स नीड टू बी वेरी नीट एंड क्लियर इन एक्सेल, यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आपसे इंटरव्यू के अंदर ही वो 1 घंटा कहेंगे कि एक छोटा सा फाइनेंशियल मॉडल बना के दिखा दो। प्रेजेंटेशन स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स नीड टू बी वेरी शार्प, एनालिटिकल स्किल्स आ जाती हैं ऑफ कोर्स, आप लोग सीए हो तो एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज फ्रंट एंड का रोल है, यू हैव टू डील विद क्लाइंट्स, यू हैव टू डील विद इंटरनल टीम्स, यू हैव टू डील विद इंटरनल स्टाफ एंड अदर डिपार्टमेंट्स, रेगुलेटरी, कंप्लायंस, लीगल। सो कम्युनिकेशन यू हैव टू हैव, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्वे वॉट यू वॉन्ट और वॉट यू नीड। अटेंशन टू डिटेल, टीम साइजेस आर वेरी स्मॉल, ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी लार्ज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीडम एंड डिस्क्रिशन इज गिवन टू यू टू वर्क ऑन योर ओन, बाय योर ओन सेल्फ। सो द नंबर्स दैट यू पुट इन, द कैलकुलेशन दैट यू डू, दे एक्सपेक्ट दैट दोज कैलकुलेशन आर हाइजीनिकली क्लियर, दे आर साउंड, द डेटा दैट यू आर पुटिंग इन दैट हैज टू बी बैक्ड अप विद रिलायबल सोर्सेज। जैसे हम यहाँ पे ऑडिट के अंदर हम काम करते हैं, सो पार्टनर रिव्यू करते हैं या मैनेजर करते हैं, सो दे गो लिंक बाय लिंक कि भाई क्या सोर्स है। यहाँ पे दे विल नॉट गो इन टू द लिंक, दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ भाई आपके लिंक्स आर ऑल क्लियर, एंड इफ एंड वेन द लिंक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी चेक्ड आउट, यू विल हैव अ वेरी फर्म बैकिंग बिहाइंड इट, अ यूजुअल डे इन आईबी। ये बहुत लोग पूछना चाहते हैं फिर क्वेश्चन कि एक्चुअल में काम किस टाइप का होता है इन आईबी. एक दिन ठीक हाउ अ है, यूजुअल डे लुक्स लाइक इन ऑफिस ऑफ आईबी. सो आई थिंक वेरी वैलिड एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। हम लोग ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम आईबी के अंदर जाते हैं तो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऑफ कोर्स रोज नहीं होंगी, बट इनका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, कभी 2 चीज़ों का, कभी 4 चीज़ों का, कभी 6 चीज़ों का। सो जो प्राइमरीली एज एन एनालिस्ट या एज एन एसोसिएट हमसे एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होगी टू असिस्ट सीनियर बैंकर्स हु आर इन बीपी और हु आर सीनियर एसोसिएट्स, टू असिस्ट देम इन द डील विच दे आर डूइंग। सो उसके अंदर हो सकता है कि भाई कोई सेल साइड मैंडेट आया, या फिर बैंक्स भी अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं है दैट क्लाइंट्स आर अप्रोचिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स कि हाँ भाई प्लीज अर्न आर मैंडेट, प्लीज फाइंड अस बायर्स। इट इज द बैंक्स हु आर अप्रोचिंग डिफरेंट पीपल एंड आस्किंग देम दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच वी आर सीइंग, देर आर मेनी बायर्स इन द मार्केट, वी सी दैट योर इंडस्ट्री इज वेरी मच इन डिमांड। सो आई थिंक सो यू ट्राई एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर टू लुक टू मेक सेलर्स इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑफ सम ऑफ देयर स्टेक, फॉर सेलर्स टू ब्रिंग आउट देयर आईपीओस। यू कन्विंस देम दैट सर द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव इन द मार्केट, योर सेक्टर इज डूइंग वेल, योर कंपनी इज अ लीडिंग कंपनी, आई थिंक यू शुड ब्रिंग आउट एन आईपीओ। इट विल हेल्प यू इन मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स, इट विल हेल्प यू इन ब्रांड बिल्डिंग। सो यू ट्राई एंड कन्विंस प्रोमोटर्स, कंपनीज टू ब्रिंग आउट आईपीओस, यू ट्राई एंड कन्विंस पीपल टू मर्ज। सो यू ट्राई एंड फैसिलिटेट एक्चुअली, इफ देर इज अ बायर एंड अ सेलर, देर इज अ कंपनी, यू ट्राई एंड पिच टू देम कि सर आप मर्ज कर जाओ इस कंपनी से, और यू अक्वायर दिस कंपनी, और यू सेल योर कंपनी टू दिस पर्सन। सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू बी द कैटलिस्ट हु इज एग्जीक्यूटिंग दीज ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन स्टैनली इज वेरी फेमस ऑन द स्ट्रीट फॉर इनेबलिंग द वोडाफोन आइडिया ट्रांजेक्शन टू हैपन। सो मॉर्गन स्टैनली इज गिवन द क्रेडिट ऑन द स्ट्रीट दैट दे वर द वंस हु पुट द आइडिया इन टू वोडाफोन्स माइंड दैट प्लीज गो अहेड एंड गो अहेड विद मर्जर विद आइडिया। सो दे आर गिवन दैट क्रेडिट। सो सिमिलरली बैंक्स आर द वंस हु बिकम अ कैटलिस्ट, दे आर नॉट द वंस हु आर जस्ट सिटिंग ऑन देयर डेस्क एंड वेटिंग फॉर डील्स टू कम टू देम, दे आर द वंस हु आर रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स एंड सेइंग कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर, एंड इन दैट प्रिपरेशन यू हैव टू हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। सो आप 10 सेक्टर्स, 10 क्लाइंट्स को आप रेडी करते हो, देन यू अप्रोच 10 पीपल, आउट ऑफ देम 2 ट्रांजेक्शन मटीरियलाइज, एंड फाइनली
one transaction is logically concluded. So there's a lot Correct. of work because you have to generate ideas and you have to work on them. So ideas are mostly generated by, let's say, directors, managing directors or VPs, right? Because as a fresher, I can give my idea, I can pitch my idea to them, but it is not necessary कि हाँ भी my VP or my director is going to say कि हाँ भी सौरभ आप इसके ऊपर डेक बना लो. और मैं अगर ज्यादा इंसिस्ट करूंगा वो कहेंगे बना लो, क्योंकि दे वॉन्ट दैट वर्क टू बी डन. नो, तो पिच को प्रेपरेशन में बहुत टाइम लगता है, मार्केटिंग मटेरियल्स में लगता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं हम लोग, CIM कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स, विच यू क्रिएट अबाउट कंपनी, अबाउट सेक्टर, अबाउट इंडस्ट्री, यू डू अ कंपेटिटर एनालिसिस, यू डू अ वैल्यूएशन बेंचमार्किंग अबाउट दैट कंपनी डोमेस्टिकली इंटरनेशनली. सो देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एनालिस्ट एंड द एसोसिएट टू ड्राइव थिंग्स फॉरवर्ड, एंड इन दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑल्सो, वैल्यूएशन एनालिसिस ऑल्सो, दिस ड्यू डिलिजेंस एंड डील एग्जीक्यूशन सपोर्ट, दिस कम्स ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन इज इन साइकिल, वंस इट इज इन प्रोसेस. जो ऊपर वाले चार काम है वो वाले तब हैं जो आप डेली बेसिस पे कर ही रहे होते हो. मतलब अगर मैं बात करूं सर, तो मतलब वोडाफोन के लिए आइडिया भी ढूंढना है और आइडिया के लिए वोडाफोन भी ढूंढना है, और जी साथ में जी पहले वोडाफोन और आइडिया एग्जिस्ट करते हैं और वो कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, उनको भी पहले रिसर्च करना है और फिर दोनों की करेक्ट डील भी करवानी है। करेक्ट. क्योंकि क्योंकि अर्जित सर, अगर मैं जाऊंगा आइडिया के पास है, मैं वोडाफोन के पास जाऊंगा, आई हैव टू बी, एंड आई एम नॉट मीटिंग देयर जूनियर गाइज, राइट? आई हैव टू मीट द CXOs. इट विल ईदर बी अ CEO, इट विल ईदर बी अ CFO, इट विल ईदर बी अ COO, राइट? राइट राइट और आई एम डीलिंग विद वेरी हाई लेवल मैनेजमेंट पीपल. अगर मैं उनको एक बार जाऊंगा, इफ आई गेट अ मीटिंग विद देम, एंड इफ आई वेस्ट दैट मीटिंग इन सेइंग रैंडम थिंग्स, आई विल नॉट गेट अनदर मीटिंग फ्रॉम देम गोइंग फॉरवर्ड. सो आई हैव टू शो सम रेलिवेंस, आई हैव टू बी सिंसियर इन माई एफर्ट, आई हैव टू शो दैट दिस इज द एफर्ट दैट आई हैव डन, एंड एफर्ट डज नॉट गो वेस्ट ना. जैसे हमें कहते हैं कि हाँ भाई अगर ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं, सो मे बी एटलीस्ट यू आर गेटिंग टू मीट अ CXO ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, एंड इफ यू आर राइट टू शो दैट दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन इन द बैकग्राउंड, देन मे बी इन फ्यूचर फॉर सम अदर डील दे माइट बी टू कम टू यू एंड आस्क फॉर योर ओपिनियन दैट सर दैट बॉस वॉट इज योर ओपिनियन ऑन द ट्रांजेक्शन, प्लीज गिव मी अ रिपोर्ट इन 1 week फॉर अनदर राइट M&A और फॉर अनदर फंड रेजिंग. सो राइट दैट इज राइट वाई देर राइट इज ऑलवेज अ हिट एंड ट्रायल विच इज गोइंग ऑन, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ एफर्ट. सो आपको राइट लगेगा कि यार मैं पूरे दिन मार्केटिंग मटीरियल बना रहा हूँ, मैं PPT बना रहा हूँ, विच समटाइम्स बिकम्स अ वेरी मीनियल टास्क ऑल्सो, बट दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट सेलिंग मोड, यू हैव टू सेल अ ट्रांजेक्शन टू समवन, एंड करेक्ट, दैट इज वाई द बहुत प्रेशर ही कम्स बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यू सेल विल लीड हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म, एंड द हायर राइट रेवेन्यू फॉर द फर्म दैट यू जनरेट द ग्रेटर विल बी द पे दैट यू विल गेट. सो यू आर ऑलवेज इन दैट सेलिंग स्प्री मार्केटिंग स्पिरिट. राइट सो राइट तो ये कंप्लायंसिस की तरह कोई डेस्क जॉब नहीं है गाइस, इसमें पूरा मार्केटिंग इन्वॉल्व है और एट राइट, एवरी मतलब पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम में यार। अर्जित सर ऐसे होगा कि भाई बीइंग एन एनालिस्ट और एन एसोसिएट, आपको जो आपके सीनियर एसोसिएट्स हैं या VPs या डायरेक्टर्स हैं उनके साथ आप ब्रेकफास्ट मीटिंग्स पे जा रहे हो या लंच मीटिंग्स पे जा रहे हो या नॉर्मल मीटिंग्स पे जा रहे हो, वेयर इन योर मीटिंग क्लाइंट्स, और आपके दे इन्वेस्ट हेविली इन योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दे गिव यू वेरी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो देयर, 1 2 years you spend, automatically your LinkedIn will be filled with buy side opportunities. People will be coming to you and saying, yeah, you have, because if you spend 2 years in an IB, that means you are a workhorse. अभी आपको काम करने की आदत है, आप काम करोगे. So उसके बाद everyone comes to you and they want you in. तो जो सरवाइव कर गया उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके हाँ, of course, those people are in very much demand, very high demand actually. So for initial 2 3 years, guys, work is life. Please be ready to work smartly, not just hard work smartly and long hours. राइट, तो कोई 90 वर्क लाइफ hour, बैलेंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा अब। 90 hour work we are talking about bulge brackets as well as for domestic companies also. Domestic के अंदर आप 10 घंटे कम कर लो, इतना ही फर्क पड़ेगा. But please be prepared for 90 hour work weeks, 14 to 16. लेट्स से 14 आवर्स में कह देता हूँ, 16 घंटे सुन के अच्छा नहीं लगता,
14 आवर्स फॉर वीकडेज इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस. सैटरडे संडे प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अ हॉलीडे. सैटरडे ट्रीटेड एज अ नॉर्मल वर्क डे. संडे भी आप 4 से 6 घंटे ऑफिस में मोस्ट लाइकली बैठोगे ही. ऐसा नहीं है पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. क्रिसमस एंड न्यू ईयर के ऊपर यू विल मोस्ट लाइकली गेट अ 1 वीक ऑफ. एंड बीच में भी अगर ऑफ कोर्स इफ देयर इज एन इमरजेंसी यू कैन गो, बट दे विल एक्सपेक्ट दैट. सी टीम साइज इज वेरी स्मॉल, प्रेशर इज वेरी हाई, रिम्यूनरेशन इज वेरी मच देयर. एंड दे वॉन्ट दोज पीपल हु नो कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं. सो दे टेल यू इन इंटरव्यूज ऑल्सो कि हाँ भाई आर यू रेडी फॉर दिस. इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन प्लीज साइन अप. वी आर हैप्पी टू टेक यू. बट प्लीज डोंट आस्क कि यहाँ पे ये मत कहना कि यार मुझे 9 बजे घर जाना है. आपसे एक्सपेक्टेड है कि काम हो या नहीं हो आप बैठोगे वहाँ पे. बिकॉज कुछ ना कुछ काम होगा. ब्रेकिंग इन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप लोग कैसे जा सकते हो वहाँ पे? अगेन यू हैव टू हैव अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन. उसके बिना नहीं जा पाओगे आप. उसके बिना दे विल नॉट एंटरटेन. एंड यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स ऑल्सो. खाली मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा. नेटवर्क एक्टिवली मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम ये भी हेल्प करता है. बट फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू हैव वेरी गुड अकेडमिक्स राइट. गो फॉर अ MBA फ्रॉम अ टॉप टीयर इंस्टीट्यूट. ट्राई टू डू CFA आफ्टर CA इफ नॉट MBA. इफ MBA इज समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट टू पुट योर टाइम इन टू फॉर 2 ईयर्स. ट्राई टू डू कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज, वैल्यूएशन कोर्सेज, बैंकिंग कोर्सेज वेर इन यू कैन एक्सप्रेस एंड शो केस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड दैट यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू लर्न मोर अबाउट इट. बिकॉज सामने वाला देखेगा अगर आपने डिग्री किया है CA और मैंने भी CA किया है देन दे वुड वॉन्ट टू सी सम स्पाइक, समथिंग डिफरेंट विच इज देयर इन योर रिज्यूमे विच इज नॉट इन माइंड. एंड दैट स्पाइक इज योर इंटेंट एंड दैट इंटेंट ऑन पेपर हैज टू बी देयर. एंड हाउ डू यू ट्रांसलेट ऑन पेपर? थ्रू योर ओन रिसर्च रिपोर्ट्स, थ्रू योर ओन सर्टिफिकेशंस, थ्रू योर ओन वट एवर. मे बी यू आर राइटिंग अ ब्लॉग ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. मे बी यू आर राइटिंग अ ब्लॉग ऑन स्टॉक मार्केट्स. सो समथिंग स्पेशल विच इज मेकिंग यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. सो समथिंग हैज टू बी देयर. यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हाँ भी मेरी रेफरेंस लग गई तो मुझे इंटरव्यू मिल जाएगा. मिल भी सकता है बट आप 2 महीने में छोड़ दोगे, 3 महीने में छोड़ दोगे. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज टू बी बिहेवियरली ड्रिवन. अगर आपका बिहेवियर उससे अलाइन करता है तो आप बैंक में सस्टेन कर पाएंगे. अदरवाइज इट माइट बी चैलेंजिंग. गाइस सो दिस इज द फाइनल स्लाइड. आई थिंक द नंबर वन क्वेश्चन इज टू पॉन्डर Am I suited for IV or not? So thank you so much. This was a small presentation. I think आधे घंटे का सोचा था मैंने, बट एक्सटेंड हो गई थोड़ी. थैंक यू सो मच सर। और आपने सारी ही चीज़ें कवर कर लिया। आई थिंक कि जो काफ़ी डाउट्स और कॉमन क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, वर्चुअली सब कुछ ही कवर हो गया है। और क्या क्या डाउट्स हैं गाइज, आप क्विकली चैट में लिख सकते हो। पैकेजेस भी सर ने बता दिए क्या रहेंगे, करियर ट्रैजेक्टरी भी आपकी कैसे रहेगी वो भी बता दी। साथ में आप क्या क्या पाथ ले सकते हो टू रीच ऑल दीज IB फर्म्स। नंबर वन एकेडमिक्स, नंबर टू आपका कि भाई किस तरीके से हम सर क्या हम यहाँ पे बैक एंड रोल्स जो होते हैं वहाँ से भी अपना करियर शुरू करके किसी तरह फ्रंट एंड की तरफ जाया जा सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम CA बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स से हैं सो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं दैट देर आर 2-3 वेज थ्रू विच वी कैन गेट इन टू बैंकिंग. मोस्ट ऑर्गेनिक इज कि आपने एक MBA किया टॉप टीयर इंस्टीट्यूट से और वहाँ पे यू आर एबल टू क्रैक इंटरव्यूज एंड गेट इन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो एक तो ये तरीका हो गया. सेकेंड इज दैट आप अश्योरेंस पे अगर हो, सपोजिटली अगर आपको IB नहीं मिलता या कंसल्टिंग नहीं मिलती पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर CA, आप अश्योरेंस में जाते हो, यू स्पेंड 2 ईयर्स 1 ईयर देयर, देन यू मूव इन टू ड्यू डिलीजेंस. मैं आई थिंक स्लाइड एक बार ओपन करता हूँ दोबारा. तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग भी IB की तरफ मूव करना चाहते हैं दिस कैन बी अ गुड पाथ। अगर हमको ऑडिट की प्रोफाइल इनिशियली ऑफर हो रही है तो ऑडिट की प्रोफाइल से हम IB की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं वो सर बताने वाले हैं। अगर आप यहाँ देखोगे कि भाई अगर आप सोचेंगे भाई आप MBA के अंदर 2 साल नहीं लगाना चाहते, आपका नहीं है इंटरेस्ट MBA करने का, सो पहला रूट अगर आप नहीं लेना चाहते हो और आप ऑर्गेनिकली मूव करना चाहते हो वहाँ पे, द जर्नी इज गोइंग टू बी लॉन्गर.
राइट, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल एंड अप, बट चांसेस आर हाई. मे बी बल्स ब्रैकेट में आप नहीं करोगे, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक में आप आ जाओगे. तो जर्नी ये रहेगी कि मानिए आप ऑडिट में जाते हैं, अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी, अगर आप पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, जीटी, बीडीओ, टॉप सिक्स में किसी में भी आप एंटर करते हो, यू स्पेंड 2 ईयर्स देयर, देन यू मूव इनटू देयर ड्यू डिलीजेंस टीम. क्योंकि ड्यू डिलीजेंस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन एन एमएनए ट्रांजेक्शन. आईपीओ के अंदर ड्यू डिलीजेंस का रोल नहीं आता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली इन द पब्लिक मार्केट्स यू एंटर, राइट? सो एमएनए इज अ पार्ट ऑफ आईबी. इन एमएनए ड्यू डिलीजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस आता है. उसके अंदर सीएस को बहुत दे वेलकम मोस्ट ऑफ द बिग फोर्स, द टॉप सिक्स, दे वेलकम सीएस इनटू देयर प्रैक्टिस ड्यू डिलीजेंस की. यू स्पेंड 2 3 ईयर्स देयर, वहां पे आपके जो क्लाइंट्स होंगे दे विल बी मोस्टली बी बाय साइड होंगे, क्योंकि बाय साइड ही अपॉइंट करती है जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं या लॉन्ग ओनली फंड्स होते हैं. दे आर द वंस हु अपॉइंट बिग फोर्स और बिग सिक्स as due to do due diligence into the transactions that you are doing. तो वहां पे आप ड्यू डिलीजेंस पे अगर 2 3 साल स्पेंड करते हो, वहां से दे कैन बी अ जंप टू अ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक. वहां पे यू कैन स्पेंड कपल ऑफ इयर्स, 2 3 ईयर्स, वहां से चांसेस आए हैं कि दैट यू माइट बी एब्जॉर्ब इन टू द वीपी पोजिशन इन अ बल्ज ब्रैकेट और अ सीनियर एसोसिएट पोजिशन इन अ बल्ज ब्रैकेट. चांसेस आर वेरी फ्यू बिकॉज पोजिशन देमसेल्स आर वेरी लेस. प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि 300 ही हैं बल्ज ब्रैकेट्स में, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक है वहां पे आप मिला के ये कह दोगे कि 1000 है मैक्सिमम. 300 अगर बल्ज ब्रैकेट में लोग हैं तो वहां पे 1000 होंगे डोमेस्टिक बैंक्स में. सो पूरा इंडिया के अंदर जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है वो है ही 1500 2000 पीपल का. सो इशू है टू ब्रेक इन टू इट बिकम्स अ चैलेंज, एंड दैट इज वाई यू नीड अ स्पाइक. सो इधर यू वॉन्ट अ स्पाइक जो कि आपको एमबीए से मिल जाएगा सीधा, या फिर आप ऑर्गेनिकली मूव करोगे तो आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक तक तो पहुंच ही जाओगे, वेरी हाई चांसेस, और बल्ज ब्रैकेट के अंदर भी जाने की चांसेस रहेंगे. सो एक अप्रोच ये है. सेकेंड अप्रोच है कि आप सीए कर लीजिए, सीएफए कर लीजिए, यू ट्राई टू मूव इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन. मे बी कंसल्टेंसी वाला आप रूट ले सकते हो दैन अश्योरेंस, दैट माइट बी अ बेटर रूट. आप कंसल्टेंसी में जाते हैं, यू स्पेंड सम टाइम देयर, एंड वहां से आप आईबी के अंदर मूव करें. मैक्सिमम लोग नहीं करते कंसल्टिंग के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कंसल्टिंग के बाद मोस्टली लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं या फिर स्टार्टअप्स को ज्वाइन स्टार्टअप्स में करते चल हैं. गया। राइट राइट सो कंसल्टिंग के बाद भी बैंकिंग का इतना रोल नहीं आता है प्रोमिनेंटली, बट कुछ लोग शिफ्ट कर पाते हैं, बट अगेन वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन. राइट एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि इज एमबीए मैंडेटरी और जस्ट अ एड ऑन। तो आई थिंक यू हैव कवर्ड आईपीओ दिस। एमबीए से डेफिनेटली एक स्पाइक मिलेगा जैसे सर ने बताया, और अगर एमबीए नहीं है अपन ने एमबीए। मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेबल है. हाँ राइट राइट एंड दैट टू फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस ओनली। डिस्टेंस जी, एमबीए और वो सब शायद उतना नहीं मैटर करेगा। डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा. आई एम सॉरी, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा. एबीसी, एलकेआई, आप इनको टारगेट करिए. अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, इन 6 में से अगर आपका होता है तो मैटर करेगा. उसके बाद थोड़ा चांसेस अगेन दे विल बी ऑन अ लेसर साइड. सीए अटेम्प्ट्स मैटर करेंगे क्या? आई थिंक आईबी की फील्ड में जाने के लिए अगर आप डायरेक्टली आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी जाते हैं तो वो प्रेफरेंस सिर्फ रैंक होल्डर्स को ही देने वाले हैं। इफ़ यू डोंट हैव द एमबीए डिग्री और द सीएफए डिग्री, तो सीएस में डायरेक्टली अगर हम फ्रंट एंड रोल की बात करें तो शायद सिर्फ रैंक होल्डर्स को मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा पाथ सौरभ सर ने बताया कि आप अश्योरेंस से शुरू करके, ड्यू डिलिजेंस से शुरू करके, एक्सपीरियंस गेन करके फिर जा सकते हैं, या फिर आप कोई एडिशनल डिग्री साथ में सीएफए एमबीए करके फिर ट्राई कर सकते हैं फॉर गोइंग इन द आईबी रोल्स। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर आपकी जर्नी कैसी रही थी इन मॉर्गन स्टैनली? कितने वर्किंग आवर्स थे और कितना काम करना पड़ा था? सी ऑनेस्टली, आई वॉज इन मॉर्गन स्टैनली फॉर माई समर इंटर्नशिप, एंड आफ्टर बेसिकली पासिंग आउट फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, आई हैड द ऑफर ऑफ ज्वाइनिंग अबेंडस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक इन मुंबई. सो व्हेन आई वॉज इन मॉर्गन स्टैनली, आई वॉज इन मुंबई फॉर लेट्स से 60 डेज.
for 65 days. So in those 65 days, I went to see Mumbai only a single day, right? Rest all days I was coming to office. And the Right. same was the experience with all my friends and colleagues moving forward. जो भी थे, जहां पे भी थे, चाहे जेएम में थे, चाहे गोल्डमैन सैक्स में थे, चाहे जेपी राइट मॉर्गन में थे, चाहे सिटी बैंक में थे, चाहे क्रेडिट सुई में थे उस टाइम पे, एवरीवेयर सिमिलर एक्सपीरियंस वॉज देयर. और जो वहां पे एनालिस्ट के एसोसिएट थे, हुआर ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, उनका उनका आफ्टर 2 इयर्स ही एवरीवन बिकम्स अ लिटिल मोर सीनियर. तो वहां पे एवरीवन टीम आल्सो अंडरस्टैंड्स दैट यू आल्सो स्टार्ट एंटरिंग इनटू अ मे बी अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, सो दे आल्सो गिव यू दैट लीवे. तो आई होप गाइस कि आपको आईबी की फील्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, कैसे काम होता है, क्या करियर ट्रैजेक्टरी रहती है और कैसे हम वो टॉप फर्म्स तक पहुंच सकते हैं. और साथ ही साथ गाइस हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स बना दी है, विच इज द इंटरव्यू गाइड बुक फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल. कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आईबी के प्रोफाइल में, ऐसे क्वेश्चन जो कि आईबी के प्रोफाइल के लिए मोस्ट रेलेवेंट है, वो सारे हमने उसमें कंपाइल कर दिए हैं ताकि आप इंटरव्यू से पहले फटाफट उनको रिवाइज करके जा पाएं. और कैसे आप फ्रंट एंड तक पहुंच सकते हैं वो भी सारी चीजें हमने सेशन में डिस्कस करी है. अगर आपको ये रिसोर्स डाउनलोड करनी है गाइज, जो कि आपकी गाइड बुक ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. और साथ ही साथ गाइस अभी सेल भी चल रही है हमारे थिंकिंग ब्रिज के प्लेटफॉर्म पे ऑन ऑल द मास्टर क्लासेस, 50% ऑफ, जो कि बहुत रेयरली हम लेके आते हैं, साल में एक दफा ही ये आता है मोस्टली. और इसमें भी आपको कोई प्रोमो कोड यूज नहीं करना, इट इज अ नो प्रोमो कोड सेल, जो कि लास्ट हमने शायद लास्ट ईयर में लगाई थी, एक साल पहले लगाई थी. ये सेल इज गोइंग टू बी देयर वेरी रेयरली. तो फटाफट से अगर आपने कोई भी मास्टर क्लास में आप इंटरेस्टेड और आपने परचेज नहीं करी है, दिस इज द राइट टाइम. एवरी टूल, एवरी मास्टर क्लास इज हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 50%, फटाफट से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर लुकिंग फॉर अ करियर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.